व्हाट आर लर्न्स ऑफ योर्स। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल इजी वे में समझाऊंगी। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है अमकान, चांसेस, यानी किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सिर्फ एक सिंपल वर्ड में कवर करना चाहूँ तो वो है चांस, चांस ऑफ गेटिंग समथिंग या चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग। यानी हम जो भी कोई इवेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके बारे में हम श्योर नहीं होते, आइदर इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन, यानी ये इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आज बहुत तेज बारिश होगी, पर हो सकता है कि बारिश हो ही ना, या हो सकता है कि मौसम बहुत ठंडा हो जाए या बहुत गर्मी वाला हो जाए, बारिश बिल्कुल ही ना हो, तो ये चांसेस ऑफ अकरेंस है किसी भी इवेंट का। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी और चांस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एज अ टीचर मैं कहूँ कि क्लास में ये स्टूडेंट जो है ये बहुत लाइक है और यही बच्चा जो है वो टॉप करेगा, बट हो सकता है कि वो टॉप कर ले, बट ये भी हो सकता है कि वो टॉप ना करे। अकॉर्डिंग टू द पास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, मैं ये कहती हूँ कि ये 100% एग्जाम्स में टॉप करेगा, लेकिन फिर भी मुझे श्योरिटी नहीं हो सकती, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और सरकमस्टांसेस। हो सकता है कि वो उस एग्जाम्स को अटेंड ही ना कर पाए, या हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, या हो सकता है वो किसी वजह से एग्जाम्स अच्छे ना दे पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मेरी ऑब्जर्वेशन से बढ़कर अच्छा परफॉर्म करे। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सिंपल सी एग्जांपल अगर आप मैच या क्रिकेट की ले लें, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉस विन कर जाएगा? वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है कि इंडिया टॉस विन कर जाए, हो सकता है पाकिस्तान टॉस विन कर जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज़ द चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट। सो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया है, तो व्यूअर्स क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक कॉइन की, लेकिन ये एक रेयर केस होगा कि कॉइन खड़ा हो जाए। सो इस एग्जांपल में दो ट्रायल होंगे, मतलब के दो रेंडम एक्सपेरिमेंट हुए और टू पॉसिबिलिटीज हुई हमारे पास, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 1/2, यानी 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है हेड की, और 1/2 ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, यानी 1/2 जो है मींस 50%। सो आई होप सो कि आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा।